हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में आप लोगों के स्पेशली क्राइलोन का जो बेस होता है उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि जो वैसे तो काफ़ी सारे शेड होते हैं क्राइलोन के, लेकिन जो मेन शेड होते हैं जो कि हमारे पास होने ही चाहिए, वो मैं शेड आप लोगों को पूरी कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि कौन कौन से शेड होने चाहिए और कौन से शेड का हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, कौन से स्किन टोन पर हमारा कौन सा कलर जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, पूरी डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊँगी। गर्मियों का मौसम है तो हम लोग कौन सा बेस जो है हमारे लिए बेस्ट रहेगा, तो मैं जो यूज़ करती हूँ क्राइलोन का डर्मा यूज़ करती हूँ स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि ये होता है ऑयली स्किन के लिए और गर्मियों में जो है हमारी स्किन काफ़ी ऑयली और स्वेटी होती है, पसीना बहुत आता है, तो हमारे लिए ये जो बेस है क्राइलोन का काफ़ी बेस्ट होता है। जितने भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो इस बेस को बहुत अच्छे से यूज करते हैं और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी बेस्ट आता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास कौन कौन से जो ज़रूरी शेड होते हैं पार्लर के अंदर वो होने चाहिए, जो कि मैं भी रखती हूँ। एक जो शेड है हमारे पास ये है ऑरेंज कलर का, D34 नाम है इसका, D34। ये हमारी जो ब्लैकनेस होती है, पिंपल्स होते हैं और जितने भी झाइयों वगैरह के निशान होते हैं सबको कवर करता है, वो कलर करेक्टर के रूप में हम लोग इसे यूज करते हैं, काफ़ी अच्छा है। और इसका मैं टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ, सारा ही पूरा जो बेस है काफ़ी अच्छा होता है, जितने भी जैसे कि हमारे यहाँ पर तिल के निशान हैं, इस तरीके से हम लोग इसे टैप टैप करके जो है कवर करते हैं, जितने भी हमारे यहाँ झाइयों के या जो भी पिंपल्स के निशान होते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो भी जो हमारी शेड होती है हमारी स्किन टोन से मैच, उसको हम लोग इस तरीके से लेंगे और अपने जो है स्किन पर इस तरीके से टैप टैप करके लगा देंगे। टेक्सचर काफ़ी अच्छा है इसका, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग इसे इजीली ब्लेंड भी कर सकते हैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। अभी तो मैं आप लोगों को उंगली से ही बता रही हूँ, तो ब्यूटी ब्लेंडर जब होगा हमारे पास तो हम लोग जब बेस बनाएंगे तो इस तरीके से हम लोग टैप टैप करके हम लोग इसे कवर कर देंगे, इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी है। तो ये तो हो गया हमारा जो हमारे पिंपल्स और झाइया ब्लैकनेस को हाइड करता है, और ये जो कलर है हमारे पास ग्रीन शेड है, और ये करता है हमारे स्किन पर जो रेडनेस होती है, जैसे जो पिम्पल्स होते हैं एक्टिव पिम्पल्स रेड कलर के, और कुछ लोगों के आप लोगों ने देखा हो कि स्किन थोड़ी सी रेड होती है, काफ़ी सेंसिटिव स्किन होती है, वहाँ पर हम लोग रेडनेस को कवर करने के लिए इस वाले करेक्टर का यूज़ करेंगे ग्रीन कलर का, और इसका जो नाम है वो है DREDB। तो ये जो हमारे पास करेक्टर हैं ज़रूर होने चाहिए पार्लर में, दो करेक्टर तो ज़रूरी होने चाहिए। तो ये वाली जो शेड है ये जाएगी हमारे जो है डार्क कलर जो होता है हमारा डस्की स्किन पर, काफ़ी डार्क शेड है, मैं आपको दिखा देती हूँ इसका स्किन जो है ये हमारी डार्क स्किन पर जाएगी। और ये जो है D4 कलर है, D4 ये हमारा जाएगा फेयर स्किन पर, ये वाला हमारा जाएगा फेयर स्किन पर, ये फेयर पर जाएगा। और ये है D1/2, यानी कि D4 ये है और D4.5 ये है, तो ये हमारा जाएगा थोड़ा सा विटिश स्किन पर, जो कि फेयर से थोड़ी सी डार्क होती है, ये जाएगा उस पर। कई बार होता है कि हमारे पास जो है ऐसी स्किन आ जाती है जो हमारे पास स्किन टोन से मैच करता नहीं होता, तो हम लोग दोनों शेड को मिलाकर भी हम लोग अपनी शेड बना सकते हैं, या फिर हमें इस तरीके से फेयर एंड डार्क मिलाकर भी शेड बन जाती है, दोनों को हम लोग इस तरीके से कंबाइन करके इस तरीके से हम लोग एक नया शेड क्रिएट कर सकते हैं। ये स्पेशली जो है गर्मियों में यूज कर सकते हैं हम लोग इसे, काफ़ी अच्छा लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा और कवरेज काफ़ी अच्छी है इस क्राइलोन के, जो बेस काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। और डर्मा और सुप्रा में क्या डिफरेंस है, यही है कि हम लोग जो ड्राई स्किन होती है उस पर सुप्रा यूज करेंगे और जो हमारी ऑयली स्किन होती है उस पर हम लोग डर्मा यूज करेंगे। वैसे गर्मियों के मौसम में सुप्रा यूज़ नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी स्किन इतनी ऑयली और चिपचिपी होती है, तो हम लोग सुप्रा यूज़ नहीं करते, डर्मा का ही यूज़ करते हैं या फिर क्राइलोन की पेन स्टिक्स होती हैं। आप लोग अगर वो वीडियो भी देखना चाहेंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं जो जितने भी क्राइलोन के पेन स्टिक्स हैं सबकी फुल डिटेल आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।